Guys, welcome or welcome back to my channel, and this is Rashmi. I hope guys you are all safe and doing great. So, guys, in today's video, I'm gonna share a sari haul. या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वैन आई एम शेयरिंग अ सारी हॉल एंड उससे पहले मैंने कभी सारीज़ ट्राई नहीं की सो आई थॉट कि चलो इस बार ट्राई करते हैं कुछ नया और इस बार मैंने कुछ सारीज़ परचेज़ की हैं एंड मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूँगी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एक्चुअली मुझे मतलब साड़ीज पसंद थी बट मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं की थी सो so, इस बार मैंने कुछ साड़ीज़ ट्राई की हैं और वो शेयर करने के लिए मैं उतावली हो रही हूँ सो या गई मैंने कुछ रेगुलर साड़ीज परचेज की हैं आई मीन रेगुलर वियर और कुछ पार्टी वियर या वेडिंग वियर साड़ी परचेस की हैं सो so, वीडियो को पूरा देखना एंड गाइज uh, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर sure आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोज आप तक पहुंच जाए सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इन टू द हॉल सो गैज आई बॉट दी सारीज़ फ्रॉम मीशो इस बार मैंने मीशो से शॉपिंग की है क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं की कभी मीशो से शॉपिंग सो आई थॉट कि चलो इस बार ट्राई कर लेते हैं सो या एंड सारे ही सारीज uh, के जो प्रोडक्ट लिंक है ना लिंक नहीं आई मीन प्रोडक्ट कोड होता है मीशो पे ना आप कोड से सर्च कर सकते हो सो so, जितनी भी साड़ीज़ हैं उनके प्रोडक्ट कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो so, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो इन केस आपको कोई साड़ी पसंद आ जाती है तो उस कोड को आप मीशो पे जाकर टाइप करना तो आपको सेम प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा और फिर आप परचेज़ कर सकते हो ठीक है इसका कोई लिंक नहीं दे रही हूँ मैं जस्ट प्रोडक्ट कोड्स दे रही हूँ सो so आप उससे uh, प्रोडक्ट कोड को लेके और मीशो पे जाके आप ट्राई कर सकते हो ओके सो स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्लैक एंड रेड साड़ी और ये रेगुलर साड़ी है और ब्लैक uh, कलर का बेस है जॉर्जेट फैब्रिक में है और इस पर रेड कलर का साटिन बॉर्डर है सो गाइस साड़ी इतनी प्यारी है लाइट वेट है एंड इतनी एलिगेंट लगती है यार बहुत ही सुंदर एंड इसका जो ब्लाउज है ना वो जस्ट ये वाला रेड है जो इसके बॉर्डर पे है साटन का एंड uh, मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैंने टेलर को दिया हुआ है स्टिच कराने के लिए सो so इसका ब्लाउज अभी मेरे पास नहीं है बट साड़ी बहुत ही सुंदर है और ईज़ीली uh, साड़ी को आप ना ड्रैप कर सकते हो इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती जैसे आप सेट करोगे वैसे सेट हो जाती है और फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड प्राइस वाइस भी बहुत अच्छा है एंड प्राइस चेक करने के लिए आप कोड नीचे जो मैं कोड दूंगी ना वहाँ वो कोड ना मीशो पे जाके टाइप करना तो आप वहाँ से प्रोडक्ट्स की प्राइस चेक कर सकते हो क्योंकि प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते रहते हैं सो या दिस साड़ी मैंने मतलब फर्स्ट साड़ी ये है जो मैंने ली है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये साड़ी ओके okay, नेक्स्ट uh, मैंने ली है uh, ये ब्लैक कलर की साड़ी है ये भी रेगुलर साड़ी है और इसमें इस, इस तरीके का बॉर्डर है पूरी साड़ी में uh, सिर्फ बॉर्डर है बाकी पूरी साड़ी प्लेन है और ये भी uh, जॉर्ज शिफॉन काइंड ऑफ फैब्रिक में है और गए uh, पहले मुझे लगा था कि uh, Uh, जब ये साड़ी मुझे रिसीव हुई मुझे लगा था कि उतना अच्छा लुक नहीं देगी क्या है इसमें कुछ तो है नहीं सिंपल सी साड़ी है बट पहनने के बाद इसका जो लुक आया ना मतलब आई लव दैट लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये भी लाइट uh, वेट है बहुत ही ईजीली ड्रैप हो जाती है बिल्कुल भी आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी इसको पहनने के लिए बहुत ईजीली पहन सकते हैं इसको और लाइट वेट है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी साड़ी संभालने में आप इजीली इसको वेयर कर सकते हो डेली बेसिस पे सो या सेकंड थी ये वाली साड़ी एंड थर्ड uh, uh, जो मैंने ली है वो ये ग्रीन कलर की uh, साड़ी है ये कुछ uh, सिल्क का uh, कोई uh, टाइप है ये जो फैब्रिक है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है पेपर सिल्क या फिर आई डोंट नो मुझ मुझे मुझे याद नहीं आ रहा है सो so, ये आर्ट uh, सिल्क या पेपर सिल्क करके कुछ uh, वो होता है या बनारसी सिल्क बोलते हैं आई आई डोंट नो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें सो so, ये uh, वो फैब्रिक है एंड गाइस साड़ी बहुत प्यारी है प्लेन uh, साड़ी है नीचे आपको ये पूरा गोल्डन बॉर्डर मिल जाएगा इतना चौड़ा सा एंड ऊपर की तरफ भी आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा एंड साड़ी बहुत ही लाइट वेट है कोई भी वर्क नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कोई वर्क नहीं है बहुत लाइट वेट है एंड इसका जो पल्ला है पल्ले पे आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा पल्ले पे आपको इस तरीके का थोड़ा सा गोल्डन ये लाइनिंग्स मिलेंगी अदरवाइज पूरी सारी प्लेन है और लाइट वेट बहुत है इसको पहन के भी आपको फील नहीं होगा कि हैवी है लेकिन देखने वाले को लगेगा कि मतलब साड़ी एकदम एलिगेंट लुक देगी देखने वाले को आप पार्टी में इसको आराम से पहन सकते हो पार्टी पर से ऐसा लगेगा कि हाँ हैवी साड़ी पहनी है बट पहनने में बिल्कुल लाइट वेट है बिल्कुल भी इसमें वेट नहीं है सो so, या yeah, ये साड़ी मुझे काफ़ी पसंद आई एंड इसका कलर तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इसके साथ में आ, ब्लाउज है वो बिल्कुल साड़ी के जैसा ही है जैसा साड़ी में आ, ये वर्क हो ये मतलब गोल्डन आ, पट्टियाँ थी ऐसा ही ब्लाउज में भी है गाइज तो या सेम साड़ी जैसा ही है कुछ भी डिफरेंट नहीं है सेम फैब्रिक है बिल्कुल भी आ, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें नेक्स्ट मैंने जो साड़ी ली है वो भी जॉर्जेट मटेरियल में ही है और ये भी ब्लैक साड़ी है गाइज प्लेन साड़ी है और इसमें चारों तरफ इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है गाइज सो so, ये जो बॉर्डर है ये इस साड़ी में जान डालने का काम करता है बाकी तो पूरी साड़ी प्लेन ही है बट इस बॉर्डर से साड़ी में जो जान आती है ना मतलब बहुत ही प्यारा लुक आता है इस बॉर्डर से एंड इसका जो ब्लाउज है ना सेम बॉर्डर वाले फैब्रिक का है सो so, ये ब्लाउज और इसका जो बॉर्डर है एक्चुअल में साड़ी की जान यही है इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है ब्लाउज़ का फैब्रिक काफ़ी अच्छा है ये जॉर्जट नहीं है ये कोई सिल्क की वैरायटी है सो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे आ, बाकी पूरी साड़ी जॉर्जट की है सो या नेक्स्ट मैंने ली है बनारसी सिल्क में साड़ी सो ये इस तरीके की है ये पूरी बनारसी सिल्क में है और आ, गाइज uh, पूरी साड़ी ये पीच कलर में है एक्चुअली uh, ये साड़ी ये पूरी पीच कलर में है इस तरीके की और uh, इस पर गोल्डन बॉर्डर है ऊपर नीचे दोनों तरफ गोल्डन बॉर्डर है इस पर एंड इसका जो पल्ला है वो पिस्ता ग्रीन कलर में है सो so, ये बहुत ही रिच लुक देती है साड़ी बट इवन ये भी साड़ी बिल्कुल भी हैवी नहीं है पहनने में वेट नहीं है इसमें ज़्यादा और पहनने के बाद ये बहुत ही रिच लुक देती है आप किसी वेडिंग में आप इसको वेयर कर सकते हो बहुत ही रॉयल लुक देती है और आप आ, किसी आ, कोई भी पार्टीज़ कैसे भी पार्टीज़ में आप इसको पहन सकते हो वेडिंग फंक्शन में पहन सकते हो बहुत ही रिच लुक बहुत ही रॉयल लुक देती है एंड इसके साथ जो ब्लाउज़ मिलता है ना वो भी आपको बनारसी फैब्रिक में ही मिलता है इस तरीके का ब्लाउज है एंड इस पे बॉर्डर दिया हुआ है आप इस, चाहे तो इस बॉर्डर को स्लीव्स पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो बैक पे भी ले सकते हैं सो इट्स टोटली अप टू यू आप कैसे इसको इस्टिच uh, कराते हो सो so, या yeah, गाइज ये थी uh, मेरी साड़ीज़ की परचेज़ एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये साड़ियाँ एंड आपकी फेवरेट साड़ी इसमें से कौन सी थी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी और मैं सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी साड़ी में लग रही हूँ सो so, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड गाइज़ दैट इज़ ऑल फॉर टुडे सो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेलाइकन को हिट कर लीजिए सो so सवाइज़ मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर